हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कॉस्मोस कॉइन के बारे में, जिसका सिंबल है एटम। ये कॉइन किस तरह का, किस तरह से वर्क करता है, टोकनोमिक्स पार्ट को डिटेल में देखेंगे, इसके बाकी फीचर्स को डिटेल में देखने वाले हैं, एंड लास्ट पोर्शन विल बी द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट, कितना ग्रो कर सकता है, वो सारी डिटेल इस कॉइन के बारे में इसी वीडियो में हम इंक्लूड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल एज यूजुअल। जो हम स्टार्ट करते हैं, 13.16 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, एंड इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर बात करो तो 286.3 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। यहाँ पे आपको टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई नहीं दिखेगी, उसका रीजन है क्योंकि वो उसकी फिक्स नहीं है और वो इसमें इन्फ्लेशन होता है तो वो हमेशा बढ़ती रहेगी। इन्फ्लेशन का रेट क्या है वो भी हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। 3.7 बिलियन डॉलर के अभी करंट में मार्केट कैप है और इससे पहले 11 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप पहले अचीव कर चुका है। अगर आपको बाई करना है तो आप बहुत इजीली इसको डेक्स पर बाई करना चाहते हो, पैनकेक स्वैप पे कर सकते हो, क्योंकि जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, एंड बहुत सारी अदर ब्लॉकचेन्स का भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ आपको दिख जाएगा, बट आपके लिए इजी बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला पैनकेक स्वैप से बाई करना ही पड़ेगा, तो आप इजीली वहां से बाई कर सकते हो। अगर आपको एक्सचेंजेस पर बाई करना है तो सेवरल एक्सचेंजेस पर, यानी जो भी मेजर एक्सचेंज होगा आपको इजीली उस पर मिल जाएगा बाइनेंस कॉइन बेस। आप नाम लोगे एक्सचेंज का और उस पर अवेलेबल होगा तो आप इजीली उसको बाय आउट कर सकते हो। अब थोड़ा सा समझते हैं इसकी बेसिक डिटेल के बारे में, देन हम फीचर्स पे जाएंगे, देन वी विल गो टू द प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट। तो ये वर्क कैसे करता है, ये एक टफ कॉम्पिटिटर है पोलका डॉट और फैंटम का, यानी इंटर ऑपरेबिलिटी के मामले में ये जो क्रिएट कर रहा है, विच इज लाइक इंटरनेट ऑफ द ब्लॉकचेन्स, ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट करना। और जितने भी प्रोजेक्ट ऐसा करते हैं वो लेयर जीरो नेटवर्क उनको बोलते हैं। लेयर जीरो यानी उनके साथ जो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं वो लेयर वन नेटवर्क होते हैं, और उनके बीच में एक अल्टे अच्छे खासे लेवल की इंटर ऑपरेबिलिटी क्रिएट होती है। इसके बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है, बट थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो टेंडर मिंट करके जो इसके बेस में कंपनी है, लाइक 2014 में वो लाइमलाइट में आई थी, उसके बाद 2016 में उन्होंने पहला अपना व्हाइट पेपर शो किया था। व्हाइट पेपर का जो अपडेटेड वर्जन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो सितंबर 2022 में ही इन्होंने रिलीज किया है, और वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं उन्होंने क्या क्या फीचर उसमें एडिशनल इंक्लूड किए हैं और कैसे वो इस प्रोजेक्ट के लिए आगे हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये वर्क करता है तीन लेयर्स में। तो लेयर्स का अगर नाम बताऊं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्किंग लेयर एंड कंसेंसस लेयर, तीन लेयर्स में वर्क करता है। तो एप्लीकेशन लेयर आप ऐसा समझ लो मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजेक्शन्स को एक्जीक्यूट करने के लिए और उनको प्रोसेस करने के लिए। नेटवर्किंग लेयर जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईबीसी, जो इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन यानी इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए। और कंसेंसस लेयर वो उसका काम रहता है जितने भी नोड्स हैं उनको सिंक्रोनाइजेशन में रखना। मेन फीचर की अगर बात करोगे तो सबसे पहला तो आप इनका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टेंडर मिंट बीएफटी। बीएफटी मींस बायनेट फॉल्ट टॉलरेंस। अब उसका काम है जो सारी चीजों को एकदम सिंक्रोनाइजेशन में रखता है, उसका मेन फंक्शन वही है। अलॉन्ग विद दैट जो टेंडर मिंट की वजह से क्या हो जाता है, इसमें एक और जो फीचर है दैट इज कॉस्मोस एसडीके। एसडीके मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं उनको एक बंडल फॉर्म में सर्टेन फैसिलिटी मिल जाती है, जाके उन कस्टम ब्लॉकचेन भी बनानी हो या एप्लीकेशन ओरिएंटेड ब्लॉकचेन भी बनानी हो तो उन्हें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, और डेवलपर्स के लिए काफी इजी रहता है। जो मतलब स्किल्ड वाइज इतने ज्यादा बेटर नहीं है वो भी इसकी ब्लॉकचेन पे बड़े आसानी से एसडीके की सर्विस से बिल्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट लाइक आईबीसी इज क्वाइट पॉपुलर इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन। अब ये आपने टर्म काफी टाइम मतलब सुनी होगी काफी बार, जो अपना टेरा क्लासिक नेटवर्क है जिसका कलेप्स हो गया, जो मतलब उसमें जो आईबीसी चैनल जो मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो कॉस्मोस ही था। इसकी वजह से अब जो रिसेंटली अब इसका जो आईबीसी चैनल ओपन होने वाला है थ्रू द कॉस्मोस सर्विस ओनली, वो दोबारा से इनेबल करने वाले हैं, ताकि अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है ताकि दोबारा से जो इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो पाए। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, पॉलीगन भी कुछ टाइम पहले लेके आया था इसको, और ये काफी ज्यादा जितनी भी इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन्स है वो इस फीचर को काफी अग्रेसिवली मतलब इंक्लूड कर रही है। दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेकिंग। लिक्विड स्टेकिंग के केस में क्या होता है, नॉर्मली स्टेकिंग और लिक्विड स्टेकिंग में ये अंतर है। नॉर्मली आप स्टेक करोगे तो आपके टोकन लॉक रहेंगे, आप उनको यूज नहीं कर सकते, एंड अगर आप लिक्विड स्टेकिंग करते हो तो उसमें आपको सर्टेन लाइक टोकनाइज वर्जन दे दिया जाता है उसी टोकन के उतने ही अमाउंट में, जो आप इजीली मूव कर सकते हो एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में, उसको यूज कर सकते हो और स्टिल आपका जो मेन अमाउंट है वो स्टेक रहता है। लेकिन जब भी आपको अनलॉक करना है उसको तो वो जो टोकनाइज वर्जन है वो बर्न कर दिया जाता है, यानी वो खत्म कर दिया जाता है और आपके जो मेन टोकन है वो अनलॉक हो जाते हैं। लिक्विड स्टेकिंग काफी पॉपुलर है और काफी ज्यादा इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन इसको यूज भी कर रहे हैं। अब आते हैं अदर फीचर्स पे। तो अगर आपको समझना है कि ये किस तरह से वर्क करता है तो कुछ इस चार्ट से आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये होल इकोसिस्टम वर्क करता है। तो इसमें आपको दो मेन चीजें दिख रही होंगी, दैट इज हब एंड जोन।
हब होगा, जो ब्लॉकचेन होगी उसको हब बोलेंगे, यानी जो ब्लॉकचेन इसके साथ इंटीग्रेट होगी, और जोन उसमें रिप्रेजेंट किया उसके ऊपर बने हुए टोकन्स को, और उन उसके साथ इस तरह से इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट होती है। एक ब्लॉकचेन बड़ी इजीली दूसरे ब्लॉकचेन, यानी एक हब वही ब्लॉकचेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे हब से बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन और या डाटा होगा कोई, या फिर असेट है वो बहुत इजीली इंटरचेंज कर सकता है। दैट इज ऑल्सो विद द सिक्योरिटी ऑफ एटम, जो कॉस्मोस की सिक्योरिटी उसके साथ। जो इनका अपग्रेडेड व्हाइट पेपर अवेलेबल है उसमें लिक्विड स्टेकिंग है, या फिर जो रिसेंट फीचर इन्होंने इंक्लूड किए हैं, अभी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मेन तो आप मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे क्रोनस है उस वो ब्लॉकचेन भी इंक्लूडेड है, आपने टेरा क्लासिक ब्लॉकचेन इंक्लूडेड है, लेकिन आगे चल के DYDX और जो डेक्स है वो भी इसमें काफी जल्दी इंटीग्रेट होने वाला है, गेटिंग ऑन बोर्ड, तो वो भी इसके लिए काफी पॉजिटिव है। अगर आपको एक एनिमेशन से समझना है तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट हब्स हैं, उसके आसपास जोन्स हैं, और उनके बीच में इस तरह से एक मतलब क्रॉस चेन कम्युनिकेशन चल रही है, और इस तरह से एक इंटरऑपरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन जो जो भी इंटरऑपरेबिलिटी पर काम कर रही है, Web 3.0 में ये बहुत ही की फीचर मतलब रहेगा इनका, यानी की रोल प्ले करने वाली है, दैट वी कैनॉट डिनाई। देयर सेवरल ब्लॉकचेन्स, नियरली आप ऐसा समझ लो 48 ब्लॉकचेन्स अभी इंक्लूड कर चुके हैं, और यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट अवेलेबल है राइट में, यू कैन सी इसमें आपको डिफरेंट ब्लॉकचेन्स दिख जाएंगे जो इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। इस तरह से कुछ हब दिखता है, मैं आपको रोटेट करके दिखा दे रहा हूँ। द होल इको सिस्टम एंड 851 रिलेयर्स हैं, इतने ट्रांजेक्शन हो चुकी है, 8,07,487 एंड इतने वैल्यू ट्रांसफर हो चुकी है, सारा डाटा इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल कराया है। अनदर थिंग, ऑब्वियसली दैट सिस्टम यू कैन से लाइक कितना कितना किसमें अमाउंट है, बाइनेंस नोड एंड डिफरेंट वैलिडेटर्स की यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। सबसे बड़ा जो वैलिडेटर इसके पास सबसे वोटिंग पावर है, दैट इज बाइनेंस नोड, एंड कुछ इस तरह से इको सिस्टम दिखेगा। आई कैन जूम इट एंड जूम इन, जूम आउट एंड जूम इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और ध्यान में रखनी है, पहले तो हमें ब्लॉकचेन की हाइट कितनी पहुंच चुकी है, 12.6 मिलियन पहुंच चुकी है, कि ब्लॉकचेन की हाइट कितना स्टेक्ड है, 201.09 मिलियन अभी स्टेक्ड है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ का रहने वाला है, इसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो वेरी करता है 7% से लेकर 20% के बीच में। करंट इन्फ्लेशन रेट 12.99% है, ऑन एन एवरेज 13% हम लेके चलेंगे, वैसे भी 7 और 20 का अगर इन बिटवीन वैल्यू निकाला तो 13 ही आएगी, तो 13% मान के चलेंगे कि इसका इन्फ्लेशन है ऑन एन एवरेज वैल्यू लेके, और उसी के अकॉर्डिंग हम जब इसके टोकनोमिक्स पार्ट को डिटेल में देखेंगे तो 13% के इन्फ्लेशन के साथ कंसीडर कर लेंगे कि लगभग एक साल बाद कितनी सप्लाई होगी, देन वी विल गो टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। तो ये चीज याद रखनी कि इन्फ्लेशन अभी करंट में इतना है। एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो वैसे तो बहुत सारे ब्लॉकचेन्स में क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की, तो इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं। अब जैसे आप BSE स्कैन पे जाकर देखो तो 1.9 मिलियन की इन्होंने यहाँ पे क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, टॉप होल्डर के पास आपको 35% दिख जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज क्रॉस चेन लिक्विडिटी है। सिमिलरली अगर आप इथर स्कैन पे जाके देखोगे तो 11.9 मिलियन की इन्होंने और 11,935 की लिक्विडिटी प्रोवाइड की है यहाँ पे, एंड उसमें भी आपको ERC-20 बेस मेटिक टॉप में दिख जाएगा। कॉस्मोस हब में काफी सारे मतलब जो मेरा डिस्कशन मतलब हब है इनका, यहाँ पे मतलब फोरम है, यहाँ पे लोग अपने अपने आइडियाज रखते हैं, प्रपोजल साथ में उस पर भी डिस्कशन होता है। प्रपोजल से जुड़ा हुआ मतलब लाइक जो बन से जुड़ा हुआ प्रपोजल है उसको मैंने सेपरेटली फाइंड करके डिटेल में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या इन्होंने प्रपोज किया था, बट इट गॉट अबेंडन नाउ। ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये अपने आपको इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन बताते हैं, बताते क्या मतलब है ये इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन मींस कनेक्टिंग ऑल द ब्लॉकचेन्स ऑल टुगेदर और इंटरऑपरेबिलिटी उसके बीच में क्रिएट कर रहे हैं। 263 अभी करंट में ऐप है जो इन पर रन कर रहे हैं, 63 बिलियन लगभग इनको वैल्यू है, जो टोटल मतलब इनमें जो असेट मैनेज हो रहे हैं इतने वैल्यू के, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और एप्लीकेशन वाइज भी मतलब अगर 263 एप्लीकेशन मैनेज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। फीचर्स की अगर बात करेंगे, देयर सो मेनी फीचर्स, ऑब्वियसली इनका ग्रेविटी डेक्स है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहो, ग्रेविटी ब्रिज, अब कोई भी इंटरऑपरेबल जो कह सकते प्रोजेक्ट होगा उस पर ब्रिज ना हो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ब्रिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द इंटरऑपरेबिलिटी, तो ब्रिज भी अवेलेबल है। इंटरचेंज सिक्योरिटी, लिक्विड स्टेकिंग इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, चेन नेम सर्विस, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो नेम सर्विस के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ सर्विस ऑल्सो। ऑल्सो अगर यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगभग $0.01 यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस लगती है इसके नेटवर्क पे, और जो फाइनलिटी है लगभग 10 सेकंड में ट्रांजेक्शन फाइनल हो जाती है, तो वो भी बेटर है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है। इंटर ऑपरेबल जितने भी मतलब प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो बेटर है। स्टेकिंग अगर आपको करनी हो तो वहाँ पे इन्होंने ये भी डिटेल अवेलेबल कराई है, 9.7% पर एनम के हिसाब से APY दे रहे हैं, और उसमें भी
10.28%, यानी 9.7% का 10.28% कमीशन कट जाएगा। तो आपको अगर आपने 1000 स्टेक किया आइटम तो आपको 89.18 रिवॉर्ड मिलेगा आफ्टर 1 ईयर। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म उन्होंने रखा है और यहाँ पे डिफाइन भी किया है। यहाँ से मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कई कई बार मैं देख रहा हूँ जैसे काफी कॉइन्स के लिए आप स्टेकिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, स्टेकिंग हमेशा बेटर नहीं रहती है। आसाम की वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा लाइक वैग्यू सब के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेकिंग स्टेकिंग वाली। ऑब्वियसली आई विल क्रिएट द ट्यूटोरियल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आपको उससे जुड़े हुए रिस्क को भी ध्यान में रखना है। हर कॉइन को स्टेक करने पर फायदा नहीं होता, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने अपना वैग्यू सब भी स्टेक नहीं किया अभी तक। ओके, सो दे आर ऑल्सो लाइक इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड ऑन कॉस्मोस दे आर प्रोवाइडिंग सर्टन डिटेल्स हाउ टू क्रिएट योर ओन कस्टम ब्लॉक चेन एप्लीकेशन ओरिएंटेड ब्लॉक चेन जिसको बोलते हैं, that I have already covered. DeFi service already they are providing with the Gravity Bridge. Now अब आते हैं main part पे। अगर आप recent इनके article देखो वहाँ से आपको कुछ और detail मिल जाएगी इनके blog पे जाके, क्या क्या अभी current में चल रहा है कि मतलब जैसे अभी recently इनका white paper आया उसकी detail available है, DYDX is getting on board उसकी detail available है, so you can check out अगर आपको check out करना है तो। टोकनोमिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो इनिशियली द एक्सपीरियंस वॉज मतलब ज़्यादा था जो टोकन का एक्सपीरियंस, और लेटर ऑन ये एक स्टेबल स्टेट में आ चुका है, अभी करंट में उसी स्टेट में आ चुका है। तो हमें इससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेस्टिंग जो पीरियड है वो उसका ऑलरेडी ओवर हो चुका है। उसकी भी डिटेल देख लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा करंट में। यहाँ मेन लास्ट जो दो पॉइंट है उन पर ध्यान दो। इन्फ्लेशन पर ईयर कितना है, 7 से 20% का है। अभी मैंने आपको दिखा दिया 13% का, जो हम ऑन एवरेज लेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एंड वेस्टिंग पीरियड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट के वेस्टिंग से कितना सर्कुलेशन में आएगा। एक इसमें प्रपोजल सबमिट हुआ था, लेटर ऑन इट वॉज अबेंडेंट। इसमें बोला गया था मैक्सिमम सप्लाई फिक्स कर दी जाए और बर्न रेट भी डिफाइन किया जाए, जिससे सर्टन अमाउंट इसका बर्न होने लगे, ऑब्वियसली जो ट्रांजेक्शन का कुछ हिस्सा वो बर्न होने लगे, ताकि एक डिफरेंशियल प्रेशर आ जाए और उसकी प्राइस की स्कार्सिटी इंप्रूव हो। ये जो प्रपोजल था वो अबेंडन कर दिया गया, यानी इस पर वोटिंग हुई और रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसमें कोई भी बर्न मैकेनिज्म नहीं है, ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इसमें जब मैक्सिमम सप्लाई फिक्स करने की बात कर रहे थे तो वो 500 मिलियन एटम को फिक्स करने की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और करंट इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उन्होंने बोला था कि 8 से 10 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, तो 500 मिलियन फिक्स कर देते, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनके डाउन में जाकर रिजेक्ट हो गया, तो फिर हमें उसकी टेंशन भी नहीं लेनी और उसको हम कंसिडर भी नहीं कर रहे। अगर आप इसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड की बात करोगे तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखेगा, देयर सो मेनी ब्लॉकचेन जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो उनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है, किसमें कितना है, किसी में 804 मिलियन है, किसी में 265 मिलियन डॉलर है, किसी में 227 मिलियन डॉलर है, इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख जाएगा। और अगर आपको लिस्ट आउट करके देखना है तो आप चेन वाइज यहाँ पे लिस्ट आउट करके देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे आपको दिख जाएंगे। टेरा यानी दोनों लूना क्लासिक और लूना क्लासिक 2.0 जो सॉरी लूना 2.0 दोनों ही जो IBC सर्विस इसी की यूज करते हैं, और इसी वजह से इसको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। यहाँ वैसे ये ग्रीन कलर में है, बट पॉसिबली क्योंकि मैं क्रोमा की यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको ये ब्लैक से कलर में दिख रहा हो, जिस पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है चार्ट, ये टेरा क्लासिक का दिख रहा है। इनिशियली इसकी जो TVL थी काफी कम थी, IBC चैनल की वजह से इसकी जो TVL है काफी अच्छे खासे लेवल पर, यानी काफी अच्छी खासी परसेंटेज पहुंच गई थी, जो रिस्पॉन्सिबल मतलब इसके टोटल TVL देखेंगे उसका अच्छा खासा हिस्सा टेरा क्लासिक की वजह से था। बाद में टेरा क्लासिक का कलेप्स होना इसके लिए TVL और भी ज्यादा घट गई, क्योंकि वो भी काफी मतलब कह सकते हैं वन ऑफ द की प्रोजेक्ट था इसके, जो IBC चैनल का अगर देखो पार्ट तो उसका क्रैश हो जाना इज अनदर फैक्टर। तो इससे आपको वेरिएबल भी समझ में आ गए होंगे, पहला इन्फ्लेशन कितना ये ध्यान में रखेंगे हम, इसके कॉम्पिटिशन में कितने अदर प्रोजेक्ट हैं जो मेजर प्रोजेक्ट हैं और साथ में अदर भी हैं वो भी हम ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ टेरा क्लासिक का रिवाइवल भी रिस्पॉन्सिबल होगा इसके फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो भी फैक्टर हम ध्यान में रखेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट, कितना इसमें जाने का पोटेंशियल है, पहले कितना जा चुका है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लगभग $11 मिलियन की मार्केट के पहले अचीव कर चुका है, $11 बिलियन। तो क्या क्या फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, 13% का इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे, 13% का इन्फ्लेशन लेते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई आप ऐसा समझो 37.8 मिलियन टोकन और सर्कुलेशन में आ जाएंगे अगले एक साल में, और इस हिसाब से इसकी टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बन जाएगी उस टाइम पे 324 मिलियन। तो हम जो प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई कंसिडर करके चलेंगे वो 324 मिलियन ही कंसिडर करके चलेंगे। दूसरा फैक्टर है कि ऑब्वियसली जो टेरा क्लासिक का जो रिवाइवल, अगर हम ये मान के चलें कि अभी जो कंडीशन है वही रहती है, अगर टेरा क्लासिक का रिवाइवल होता है, IBC जो चैनल है वो ओपन होता है फिर दोबारा अच्छी तरह से सक्सेसफुल होता है, तो वो लूना क्लासिक के लिए भी बेटर होगा
और इसके लिए भी बहुत बेटर होगा, लेकिन अभी हम मान के चलो क्योंकि हाल फिलहाल में ओपन नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो अभी ओपन नहीं हो रहा है एंड उससे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी उससे जुड़े हुए इम्पैक्ट को नहीं कंसिडर कर रहे। अगर पड़ेगा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ और भी फर्दर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कौन से प्रोजेक्ट इसके कॉम्पिटिशन में? ऑब्वियसली पोलका डॉट और फेंटा, मैं आपको टॉप प्रोजेक्ट बता चुका हूँ जो इसके कॉम्पिटिशन में, जो सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी अच्छी खासी कंडीशन में है, तो उनका भी वो भी काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। अगर उनका मार्केट डोमिनेंस देखा जाए, उसका मार्केट डोमिनेंस देखा जाए, तो उस हिसाब से कितना ये अचीव कर सकता है, नियरली आप ऐसा समझो $50 बिलियन मैक्स टू मैक्स अचीव कर सकता है अगले बुल रन तक। अगर $50 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है विद रेस्पेक्ट टू एट दैट टाइम जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, तो ये $150 से $154 के बीच में जाके ट्रेड करेगा। अगर विद रेस्पेक्ट टू करंट प्राइस और करंट मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो आप ऐसा समझ लो लगभग 13 गुना करने का पोटेंशियल इसमें है। एंड देयर सेवरल प्रोजेक्ट्स गेटिंग ऑन बोर्ड, आगे और भी होंगे। अगर ऐसा होता है कि टेरा क्लासिक का रिवाइवल हो जाता तो इवन बियॉन्ड दैट, मतलब उससे भी ज्यादा रिटर्न देने की इसमें कैपेसिटी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वी कैन नॉट डिनाई अबाउट दैट कि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंटरऑपरेबिलिटी वेब 3.0 में की रोल प्ले करेगी, दैट ऑल्सो वी कैन नॉट डिनाई। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो चेक वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।